दक्षिणी पूर्वी यूरोप के देश रोमानिया में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। बाढ़ की वजह से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और तबाही मचा दी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लगा मानो सड़क पर तेज रफ्तार नदी बह रही हो। बाढ़ के पानी में सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूबी नजर आईं। रोमानिया के मौसम विभाग ने जानकारी दी कि एक रोज पहले वहां महज 20 मिनट के अंदर भीषण बारिश हो गई और ऐसा लगा मानो बादल फट गया हो, जिसके बाद पश्चिमी रोमानिया के रिसीटा शहर में भयानक बाढ़ आ गई। सड़कों पर और गलियों में पानी भर गया। प्रशासन की तरफ से लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने के निर्देश जारी कर दिए गए और राहत बचाव की टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया गया। इधर दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मिले एक महिला के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रानी नाम की उस महिला की हत्या उसी की दोस्त सपना ने कर दी, क्योंकि पुलिस ने शव मिलने के बाद सपना को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक हादसे वाली रात शराब पीने के बाद सपना और रानी में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सपना ने इन द फिट ऑफ एंगर मौके से वहीं किचन का नाइफ जो है उठाया और इसके ऊपर एक वार किया और इस हमले में रानी की मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले से जुड़े कई अहम सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके। उधर झारखंड में ईडी ने कांग्रेस विधायक के घर पर छापा मारा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, क्योंकि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत ईडी को मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए ईडी के अफसरों ने छापे मारे। इससे पहले पिछले साल 4 नवंबर को आयकर विभाग की टीम ने प्रदीप यादव के रांची वाले घर पर छापा मारा था। उस समय आयकर विभाग को कई अहम दस्तावेज और बेनामी संपत्तियों का पता लगा था, जिसके बाद आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट के आधार पर अब ईडी ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस बीच गुजरात के सूरत में माता पिता का झगड़ा सुलझाने गई एक बेटी को उसके ही पिता ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि पिता ने अपनी बेटी पर 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार चाकू से वार किया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें पिता अपनी ही बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता दिखा। ये घटना इतनी दिल दहला देने वाली है कि इसका पूरा वीडियो तक नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन उस वीडियो में पिता अपनी बेटी को 17 बार चाकू से गोदता दिखा। बेटी तड़पती रही, इसके बावजूद पिता उस पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। बेटी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने माता पिता के झगड़े में माँ को बचाने गई थी, क्योंकि गुस्से में उसके पिता माँ की चाकू से गोद कर जान लेना चाहते थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उधर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर के एक ऐलान ने इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। ऐलान किया गया कि ईरान बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश करेगा। हालांकि ईरान इससे पहले 2 बार यह ऐलान कर सनसनी फैला चुका है कि उसने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। दोनों ऐलान पिछले 2.5 महीने के दौरान किए गए हैं। यहां तक कि ईरान यह भी बता चुका है कि उसकी मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल है। लेकिन अब तक ईरान के दावों को कुछ लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इस बार ईरान ने ऐलान किया कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की अधिकतम रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी Mach 5 होगी, जबकि ये मिसाइल 1.5 टन वजन का विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम होगी। इसराइल पहले ही आशंका जता चुका है कि ईरान की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ऊपर से इसका ऐलान ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान को परमाणु बम बनाने के बेहद करीब माना जा रहा है।